गाइस तो सब लोग तो मैं एक और ओपी वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने आ चुका हूं। तो गाइस आज के वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइस मैंने जो है गाइस हिप हॉप बंडल गाइस कैसे लिया, कितने मतलब मेहनत करी थी गाइस और किस तरीके से मेरी जो हिप हॉप बंडल की स्टोरी है वो गाइस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। क्योंकि गाइस मुझे नहीं पता था कि गाइस एक दिन इतना फेमस होने वाला हिप हॉप बंडल, और गाइस मैं मतलब बता नहीं सकता आप लोगों को कि गाइस मेरी इसके साथ में बहुत इमोशनल और फनी स्टोरी जुड़ी हुई है हिप हॉप बंडल के साथ में। तो गाइस मैं आप लोगों को ये स्टोरी जो है आज शेयर करना चाह रहा हूं। उससे पहले गाइस ये जो वीडियो है गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो, वो जो वीडियो है गाइस हमारे राकेश भाई ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इस वीडियो का क्रेडिट जो है गाइस मैं राकेश007 को देना चाहूंगा। तो गाइस क्योंकि मेरे पास में जब ना गाइस मतलब डिवाइस नहीं था, जब मैंने हिप हॉप बंडल लिया ना गाइस तब मेरे पास में अच्छा डिवाइस नहीं था, वो बस 2 GB का डिवाइस था जिसमें गाइस बस खेलने के काम का था वो डिवाइस, रिकॉर्ड करने का काम का था ही नहीं क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर नहीं सका। और मुझे नहीं पता था कि गाइस एक टाइम पे हिप हॉप बंडल जो इतना फेमस होगा, और मैं तब जो है एक यूट्यूबर भी नहीं था तो मुझे इतना सेंस नहीं था कि भाई कुछ रिकॉर्ड करना भी होता है और आगे जाके ये आपको अपने को काम में आ सकता है। तो इसलिए गाइस ये जो वीडियो है गाइस मैं यहाँ पे राकेश भाई के तरफ से ले रहा हूँ, और राकेश भाई जो है एकदम ओल्डेस्ट फ्री फायर प्लेयर्स में से एक है। तो गाइस अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि गाइस यहाँ पे जो स्टोरी है मेरी हिप हॉप बंडल की साथ में फनी स्टोरी जुड़ी हुई और इमोशनल स्टोरी वो मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले गाइस अगर आप लोगों को पार्ट टू चाहिए तो गाइस जल्दी से आप लोगों ने एक नीचे लाइक करना, 100K का लाइक एम रख रहा हूँ। अगर ये पूरा होता है तो गाइस मैं पार्ट टू लाऊंगा, और ओनली 5000 सब्सक्राइबर्स का गाइस मैं एम रख रहा हूं। तो गाइस जल्दी नीचे जाओ सब्सक्राइब करके, बेल वाला नोटिफिकेशन आइकॉन जो है गाइस अगर आप लोगों ने नहीं दबाया है तो गाइस जल्दी से दबा दो, पार्ट टू जल्दी आने वाला है। 2017 या 18 में जो गाइस अपना फ्री फायर स्टार्ट हुआ तब गाइस मैंने गेम स्टार्ट किया, तब गाइस सीजन 1 करके गाइस यहां पे एक इलाइट पास आया था, उसका नाम था साकुरा। तो गाइस वो इलाइट पास मैंने मिस कर दिया था, मेरे पास में सारे इलाइट पास है बस सीजन 1 छोड़ के, क्योंकि गाइस मैं सीजन 1 में अलग ही लेवल का नूब था। और गाइस सीजन 1 जब आया था तब गाइस मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद में गाइस मेरे को भाई जो सीजन 1 वाले मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा चोर बताते थे कि भाई मैं तो मतलब किसी के लिस्ट में जा ही नहीं पाता था सीजन 1 के, क्योंकि गाइस मेरे को की किया फिर नूब बोल के गाइस यहाँ पे से हटा दिया जाता था। तो लेकिन गाइस एक मेरा केदार करके गाइस एक फ्रेंड बना सीजन 1 का, तो ऐसा लगता था कि गाइस सीजन 1 वाले जो बंदे हैं गाइस वो बहुत एटीट्यूड में रहते हैं और उनका जो मोमेंट स्पीड वगैरह वगैरह होता है तो वो इलाइट पास लेने से गाइस बढ़ता है। ये तो गाइस तब मतलब जब फ्री फायर आया था तब की गाइस एक अफवाह थी कि गाइस जो भी इलाइट पास लेता है उसका मोमेंट स्पीड और गाइस यहाँ पे हेडशॉट ज़्यादा लगते हैं, तब गाइस नुबड़ों की अफवाह थी गाइस 2017 या 18 में जब गाइस गेम स्टार्ट हुआ था सीजन 1 आया था हमारा साकुरा तब। तो गाइस फिर उसके बाद में गाइस मैंने क्या किया कि भाई मैं सीजन 2 लूंगा, मैंने अपना मन बना लिया। लेकिन गाइस मेरे पास में पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, क्योंकि तब जो है गाइस मंथली वीकली नहीं आती थी सीजन 2 और सीजन 1 जब आया था तब, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होना ही था। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मंथली वीकली में तो अपने को 160 में गाइस इलाइट पास मिल जाता है 160 रुपीज में 7 दिन डायमंड्स क्लेम करके, तो अभी जो है तब तो सीधे 400 रुपीज का टॉप अप करना लगता था। सो गाइज हर बार की तरह मेरा जो केदार फ्रेंड था उसने जो गाइज यहाँ पे हिप हॉप बंडल ले लिया था, तो गाइज मैं हो रहा था जेलस फील, मैं नहीं ले पा रहा था हिप हॉप बंडल। तो गाइज मैंने क्या किया कि गाइज मेरे को जो है मतलब मेरे पापा ने जो है गाइज यहाँ पे एक 1000 रुपीज दिया था। 1000 रुपीज से जो है गाइज मेरे को करना क्या था कि बुक्स लेने थी, ठीक है। तो 1000 रुपीज में मेरे जो बुक्स थे गाइज वो तो मैंने ले लिए थे, और 550 रुपीज में कुछ मेरे बुक्स आ चुके थे, मेरे पास में कुछ 450 रुपीज बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि गाइज अभी अपने पास में कैश, तो गाइज मेरे पास में था कैश, ठीक है। तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि गाइज अगर मेरे पास में कैश था तो मैं इस कैश को जो है गेम में कैसे डालूं। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला, वो केदार नाम का फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि नयन ऐसे ऐसे दुकान वाले के पास जा, शॉपकीपर के पास में जा, उसके पास में पेटीएम ऑनलाइन होता है। तब तो गाइज पेटीएम भी ज़्यादा चलता नहीं था, तो वो भी बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ करते थे लोग। तो उसने ऐसा सा बोला कि मैं भी ऐसा ही टॉपअप करता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई मैं जाता हूँ कैश लेके उस बंदे के पास में गया। और गाइज मेरे लिए तब 400 रुपीज़ इतनी बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि गाइज ये जो पैसे थे वो पापा के पैसे थे, पेरेंट्स के पैसे थे, तो ये मेरे खुद के पैसे नहीं थे। जो मतलब अभी हिप हॉप बंडल मेरे पास में है वो मेरे खुद के पैसों से नहीं लिया हुआ है। तो ये जो है मतलब मैं तो अभी भी मानता हूँ कि ये जो है पापा की वजह से मेरे पास में हिप हॉप बंडल है, तो मतलब पापा की अर्निंग से है। तो मैं अभी भी पापा को थैंक यू बोलूंगा कि भाई आपके वजह से मेरे पास में हिप हॉप बंडल है और इतना रेयर, और इतने मींस मैंने इसके ऊपर मींस वीडियोस बनाई है, और इसके कारण मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब बहुत अच्छा मींस मेरे साथ में हुआ है हर बार। तो उसके बाद में मैंने गाइस यहाँ पे 450 रुपीज जो है गाइस यहाँ पे लेके गया दुकान वाले के पास में। तो दुकान वाला भी इतना स्कैमर था ना, इतना हरामी था ना, तो उसने मेरे को क्या बोला, मैं कर तो दूंगा लेकिन 50 रुपये चार्ज लगेगा।
मैंने बोला भाई मैं तो भाई तब तो भाई थोड़ा दिमाग नहीं था मेरे में, तो भाई मैंने बोला कि ठीक है भाई 450 दिया मैंने, और उसने मेरे को 400 रुपीज़ का रिडीम कोड बना के दिया, और रिडीम कोड बनाने से जो है गाइज मेरे को जो है 400 रुपीज़ का टॉपअप मिल चुका था। 50 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लगे थे, 450 बहुत बड़ी बात थी गाइज तब मेरे लिए, और अभी भी बहुत लोगों के लिए है गाइज 450 रुपीज़। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो अभी सीन क्या हुआ गाइज यहाँ पे कि मैंने हिप हॉप बंडल तो ले लिया था, लेकिन मेरे मतलब मन में ऐसा ही चल रहा था कि यार मेरे पापा से मीन्स कुछ छुपाया है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मेरे पापा को बताऊंगा ये चीज़ पापा या फिर मम्मी को, तो भाई मेरे को मार पड़ने वाली है, और गाइस मतलब मेरा जो था भाई मतलब चड्डी फटने वाली थी गाइस मेरी, मतलब मेरे को मतलब मन में मत, क्योंकि गाइस मैं कभी घर वालों से ना झूठ नहीं बोलता था, तो मेरे मतलब मन में यही चलता था कि मतलब मेरे को हिप हॉप बंडल लेके भी मतलब मेरे को खुशी नहीं मिल रही थी। तो गाइस मैंने क्या किया, तो मैंने एक बार बताना चाहा पापा को, तो मैंने बता दिया, फिर मतलब मैंने बता दिया कि पापा ऐसा ऐसा हुआ, मैंने मतलब 450 रुपीज़ बचे हुए थे, फिर वो बुक्स तो मेरी 550 में आ गई थी, लेकिन मैंने वो पैसे आपको वापस नहीं किए। तो पापा ने बोला यार मतलब थोड़ा सा चिल्लाया डांटा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, गेम में क्यों पैसे इन्वेस्ट करा क्यों, मतलब उन्हें भी पता नहीं था और मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये जो पैसे है वो एक दिन इतना काम के आएंगे कि भाई मेरी आईडी जो इतनी रेयर बनेगी 450 रुपीज़ के वजह से, और वो शॉपकीपर की वजह से, पापा की वजह से, मतलब होता है ना भाई एक सर्कल और मेरे दोस्त की वजह से जो गाइज मेरे को हिप हॉप बंडल मिला। तो उसके बाद में गाइज मैंने बहुत डांट खाई घर वालों से, फिर मैंने बोला कि अभी मैं इलाइट पास नहीं लूंगा, क्योंकि गाइज मेरे को अभी कुछ नहीं करना गेम के अंदर, कुछ नहीं करना, मैं जो हूँ गाइज यहाँ पे कुछ सेकेंड या फर्स्ट ईयर में था सिविल इंजीनियरिंग के, तो मुझे जो है गाइज एक सिविल इंजीनियर बनना था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि गाइज मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा, ठीक है। तो यही सीन था मेरा, मतलब क्लीन और मतलब जो एक नॉर्मल इस लड़के का होता है गाइज, नॉर्मल लड़के के सपने यही होते हैं कि गाइज कुछ अच्छा सा इंजीनियर या फिर कुछ बन जाओ, अपने फैमिली को संभालूँ और कुछ ना कुछ मतलब अर्न करूँ। तो गाइज यही था मेरा भी सपना, और गाइज इसके आगे का मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं इतना मतलब आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे और इतने मेरे जो सब्सक्राइबर्स है गाइज वो मुझे आज इतना प्यार करेंगे, ठीक है, जब मेरे को मतलब मिलने आते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है गाइज, ठीक है। तो यही सीन था बस। फिर उसके बाद में गाइज मैंने क्या सीन हुआ, फिर सीजन 3 लाइट पास आ गया, ठीक है, हिप हॉप खत्म हो गया, फिर सीजन 3 आ गया। तो गाइज कहते हैं ना कि गाइज लालच बुरी वाला है, ठीक है, तो हिप हॉप के वजह से मैंने इतना मार खाया, इतना डांट खाया पापा का, तभी भी गाइज मैं सुधरा नहीं था कि भाई मेरे को और भी चाहिए, मतलब होता है ना भाई एक सीजन लिया तो भाई और भी मन करता है गाइज, सबका मन करता है, आप लोगों का भी करता है, ठीक है। तो गाइज लेकिन आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि गाइज कभी भी मम्मी पापा से छुपा के कोई चीज लेके मतलब आप लोगों को कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप ले रहे हो उनके पैसे से तो उनको बता के लो, ठीक है, और अगर आपके खुद के पैसे से ले रहे हो तो भाई उनको नहीं भी बताए तो अभी भी चलेगा, ठीक है। तो अर्न कर रहे हो भाई, जॉब कर रहे हो, कहीं से पैसे कमा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जरूर ले सकते हो, डायमंड्स खर्चा कर सकते हो, लेकिन गाइज अगर आप लोग उनसे छुपा के ले रहे हो, चोरी करके ले रहे हो, एक तरीके से गाइज वो एक चोरी होती है, ठीक है, छोटी चोरी जो है एक टाइम पे बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैंने बता दिया था, तो मेरे को डांट पड़ी थी। फिर उसके बाद से सीजन 3 कैसा लिया, मैं वापस से गया पापा के पास में, पापा को बोला सीजन 3 आया हुआ है पापा, मेरे को ये दिला दो। तो पापा ने बोला कि एग्जाम में तेरे को अगर तू अच्छा परसेंटेज से पास होता है तो तुझे सीजन 3 दिलवाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो भी है वो उनको सीजन 3 वगैरह वो उन्होंने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया था, तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था। सो गाइज यार मतलब कहते हैं ना कि मतलब कभी भी पेरेंट्स जो है गाइज अपने मतलब बच्चे को जो है मतलब कभी भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो गाइज मैंने पापा से झगड़ा कर करके मीन्स मेरे को चाहिए 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 करके करके गाइज फाइनली जो है गाइज यहाँ पे मैंने सीजन 3 भी ले लिया। और गाइज ऐसे करते करते गाइज मैंने सारे जितने भी इलाइट पास आए हैं आज तक के, ठीक है, वो सारे ले लिए, ठीक है। सीजन 4 तक तो गाइज मेरे कुछ 0 अर्निंग था, ठीक है, तब तक तो गाइज मैं अपने पापा के पैसों से ही गाइज यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली थी। उसके बाद में गाइज मैंने सीजन 3 लेने के बाद, ठीक है, सीजन 3 और 4 लेने के बाद 5 से जो गाइज मैंने यहाँ पे बोला कि नहीं भाई अपन लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद में ये जो मेरी यूट्यूब की जर्नी थी गाइज, ठीक है, जो अर्निंग कैसे किया, मेरा फर्स्ट अर्निंग कितना था, क्या था, तो गाइज वी बैच कैसे मिला, और गाइज मैंने सारी इलाइट पास इसके बाद के कैसे क्लेम किए, क्या हुआ, ठीक है, तो वो अगर आप लोगों को देखना है तो गाइज आप लोग जो है गाइज, ठीक है, इस वीडियो पे 100K लाइक कंप्लीट करो गाइज। और आप लोग यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में जो देख रहे हो वो मेरा ही गेम प्ले, और गाइज यहाँ पे आप लोग आईडी चेक कर सकते हो मेरा 1488802 73। ज्ञान भाई के स्ट्रीम चल, ज्ञान भाई तब स्ट्रीम करते थे, मेरे पास में कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, मैं 2 GB के फ़ोन में खेलता था। और गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा नूब गेम प्ले, और ज्ञान भाई का भी नूब गेम प्ले था, और ज्ञान भाई का तब जो है गाइज 7000 सब्सक्राइबर था, सिर्फ और सिर्फ 7000 सब्सक्राइबर, और ज्ञान भाई और मैं हमेशा साथ में खेलते थे, ज्ञान भाई सब्सक्राइबर्स के साथ में खेलते थे, तो ज्ञान भाई में पहले से बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था, तो नूब लोगों के साथ में खेलते थे हमारे जैसे ज्ञान भाई। तो हम लोग जो है मतलब ज्ञान भाई को रिक्वेस्ट भेज के जो है
ज्ञान भाई के साथ में स्ट्रीम पे खेलते थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं खेल रहा हूँ उनके स्ट्रीम पे, और बुआ मोमेंट है गाइज ये वाला। तो गाइज यही होता था कि मतलब हम लोग सब साथ में खेलते थे, राइ स्टार वगैरह हम लोग मतलब सारे ओल्ड प्लेयर्स थे, ठीक है। तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा मतलब तब बॉन्डिंग था और तब गेम खेलने का मज़ा भी बहुत अलग ही था। तो अगर आप लोगों ने गाइज यहाँ पे पूरे करते हो 100K लाइक्स और चैनल को अगर आप लोग 5000 सब्सक्राइबर्स एक्स्ट्रा बढ़ाते हो, तो गाइज़ मैं लाऊंगा पार्ट टू इसका, जो मेरी यूट्यूब जर्नी थी कैसी थी। और यहाँ पे आप लोग देखो गाइज किस तरीके से नूब की तरह मरा था गाइज में, यहाँ पे आप लोग देखो गलत ही सीन था, और मतलब यही होता था गाइज तब। और ये मज़ा जो है ना गाइज, ये जो मेमोरीज जो है गाइज पहले की बहुत ही मतलब प्यारी मेमोरीज है। तो आप लोग जो है गाइज चाहते हो कि मैं इसका पार्ट टू लाऊं, तो गाइज आप लोग जरूर इस वीडियो को सपोर्ट दोगे, शेयर करोगे, ठीक है। और गाइज फेसबुक पे भी गाइज मैं आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस लाऊंगा और लाता रहूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, गाइज दोनों तरफ जाके फॉलो कर लो गाइज, क्योंकि आप लोग जो है गाइज थोड़ा सा कम प्यार दे रहे हो आजकल के मतलब 2-3 हफ्तों से, व्यूज भी कम आ रहे। तो मुझे पता है गाइज थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है यूट्यूब का, लेकिन मुझे पता है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे हैं, मैंने बनाए हुए खुद से। तो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, आपने मुझे बनाया हुआ है तो आप लोग ज़रूर शेयर करोगे। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।